अब 1 लाख रुपए किए जाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद है अभियुक्त शाइस्ता परवीन। कुछ दिन पहले 25,000 रुपए से इनाम की राशि 50,000 रुपए की गई थी। शाइस्ता पर और शूटर्स को फोन और रुपए मुहैया कराने का शाइस्ता पर आरोप लगा है। फरार चल रही है लंबे वक्त से, जब से उमेश पाल की हत्या की गई उसके बाद से ही जब शूटर्स फरार हो गए थे तो शाइस्ता भी फरार हो गई थी। उसकी तलाशी में भी पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन ये लेडी डॉन अभी भी फरार चल रही है और पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर है। अब अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि को बढ़ाए जाने को लेकर तैयारी की जा रही है। पहले 25,000 रुपए का इनाम शाइस्ता पर घोषित किया गया था, उसके बाद उसको बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया और अब 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। उमेश पाल शूटआउट केस में शाइस्ता पर आरोप यह है कि उसने उन तमाम शूटर्स को मोबाइल उपलब्ध कराए, उन्होंने उन शूटर्स को रुपए दिए, उनकी मदद की। उमेश पाल को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया था। कई शूटर्स ऐसे जिनका एनकाउंटर अब हो चुका है, कुछ ऐसे जो फरार चल रहे हैं जिनको लेकर पुलिस अब लगातार दबिश दे रही है। और इस बीच शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है वो भी फरार है और उस पर इनाम की राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किए जाने का प्रस्ताव अब तैयार किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही इनाम की राशि को 25,000 रुपए से 50,000 रुपए किया गया था और अब इस इनाम की राशि को और बढ़ाया जा सकता है और 1 लाख रुपए किया जा सकता है। अतीक और अशरफ शूटआउट से जुड़ी खबर है। हत्यारोपियों को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा आपको बता देते हैं। लवलेश, अरुण और सनी ने चित्रकूट के पते पर बनवाया था फर्जी आधार कार्ड पर प्रयागराज के होटल में कमरा इन्होंने बुक कराया। एसआईटी तीनों आरोपियों के चित्रकूट कनेक्शन का अब पता लगा रही है। क्या इन लोगों ने खुद ही इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची या फिर इसके पीछे किसी और का हाथ है और किसी के कहने पर इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हर एक एंगल से पूछताछ का दौर लगातार जारी है, लेकिन हत्यारोपियों को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि लवलेश, अरुण और सनी, जिन्होंने अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा, इन्होंने चित्रकूट के पते पर अपना फर्जी आधार कार्ड बनाया था। वही फर्जी आधार कार्ड प्रयागराज के होटल में इन्होंने सबमिट कराया जहां पर कमरा बुक कर ये लोग रहे थे। एसआईटी अब इन तीनों आरोपियों के चित्रकूट कनेक्शन का पता लगा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 से 1 लाख रुपए अब किया जा सकता, क्या जानकारी पूरी? जी बिल्कुल, पुलिस की तरफ से सिफारिश की गई है कि जो इनाम की राशि है, पहले 25,000 थी, उसको बढ़ा करके 50,000 किया गया और अब 1 लाख रुपए करने की तैयारी चल रही। तो शाइस्ता परवीन को लेकर के इनाम की राशि बढ़ाने की तैयारी है निश्चित तौर पर। अगर वो कुछ दिन में, 2-4 दिन में गिरफ्त में नहीं आती तो इनाम की राशि बढ़ जाएगी, क्योंकि शासन को भेजा गया है और शाइस्ता 1 लाख रुपए की इनामी हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से शाइस्ता लगातार फरार है, उसके बाद से सबसे शिद्दत से अगर किसी की तलाश पुलिस और एसटीएफ कर रही है तो गुड्डू मुस्लिम है, शाइस्ता है और बाकी दो शूटर्स और हैं, लेकिन उसमें टॉप पर शाइस्ता इसलिए है क्योंकि शाइस्ता से तमाम राज जो है, अतीक से जुड़े जो तमाम संपत्तियां हैं, जो तमाम लोग हैं, जो अतीक से, अतीक के जो एलाइज हैं, उन सब के बारे में जानकारी मिल सकती है। तो ऐसे में शाइस्ता को लेकर के पुलिस और एसटीएफ की टीमें जो है वो लगातार छापेमारी भी कर रहे हैं और अब इनाम की राशि बढ़ा करके शाइस्ता को गिरफ्त में लाने की कोशिश की जा रही है। जी, ये चित्रकूट कनेक्शन से जुड़ी क्या जानकारी है मानवेंद्र आपके पास? फर्जी आधार कार्ड बनाया चित्रकूट के पते पर, उसको लेकर भी अब पूछताछ की जाएगी, क्या ये पूरा मामला? ये देखिए, जी बिल्कुल, पूछताछ लगातार चल रही है और चित्रकूट में ये बताया जा रहा है कि चित्रकूट में ये असेंबल हुए थे, कहीं पर इनकी मुलाकात हुई थी और वहां पर किसी सोर्स के जरिए इन्होंने फर्जी आई कार्ड बनवाया है, आधार कार्ड बनवाया है और वही आधार कार्ड इन्होंने जो होटल है वहां पर जमा किया था, उसी को जो फर्जी आधार कार्ड है उसी के आधार पर इनको रूम भी मिला था। तो तैयारियां जो है वो इनसे पूछताछ की लगातार चल रही हैं और तैयारी ये है कि चित्रकूट भी जाएगी एक टीम और वहां जाकर के जो विस्तृत जानकारी है वो उसका संकलन करेगी और कैसे आधार कार्ड बनाया, किन लोगों ने मदद की और क्या ये हैंडलर या किसी माफिया के
इशारे पर इन्होंने वहां पहुंच करके जो है वो अपना आधार कार्ड बनवाया था। तो तमाम ऐसे पहलू हैं इस मामले के जिनकी जांच बेहद जरूरी है, और इसीलिए ये जो आधार कार्ड का एंगल है ये इसमें जुड़ा है, और कहीं ना कहीं पुलिस सूत्र खंगाल रही है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इनको गाइड किया और इनको इस हत्या के लिए उकसाया। तो हो सकता है कि चित्रकूट से की जांच से किसी और सूत्र का पता चले और उसके जरिए जो पुलिस है वो मास्टरमाइंड तक पहुंच सके, लेकिन पूछताछ लगातार जारी है। पूछताछ का दौर लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आपका मानवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल खबरों में हम आगे बढ़ते हैं। यूपी की योगी सरकार सूबे में माफियाओं के कब्जे से खाली हुई जमीन पर अब गरीबों के लिए सस्ते मकान बनवा रही है। इसकी शुरुआत प्रयागराज में माफिया अतीक के कब्जे से खाली हुई जमीन से ही की गई है। यहां पर फ्लैट बनने का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है और इस बिल्डिंग पर 76 फ्लैट्स बन रहे हैं जो बेहतर क्वालिटी के होंगे, बेहतरीन सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं। इसमें लोगों के लिए पार्किंग की सुविधा है, कम्युनिटी हॉल और कॉमन एरिया भी दिया गया है। बता दें कि सीएम योगी ने इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया था। सरकार की ओर से बनाए जा रहे इन फ्लैट्स को गरीबों को सिर्फ 3.5 लाख रुपए में दिया जाएगा। योगी 1.0 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया था कि प्रदेश के माफियाओं के कब्जे से जो जमीनें छुड़ाई जा रही हैं उन जमीनों पर गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे, और उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने प्रयागराज से की थी और उस जमीन से की थी जिस जमीन पर अतीक अहमद का कब्जा हुआ करता था। आपको तस्वीर दिखा दूं, ये दरअसल जिस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं यहां पर कभी अतीक अहमद का कब्जा हुआ करता था। हालांकि जो निर्माण था यहां पर अतीक अहमद का, उस पर बुलडोजर चलाया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया कि इस जमीन पर एक बहुमंजिला इमारत बनाई जाएगी और उसमें जो भी फ्लैट बनाए जाएंगे वो बेहद कम और सस्ते दामों पर गरीबों को दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं तस्वीर की, लगभग ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है और सिर्फ फिनिशिंग का काम यहां पर चल रहा है। कितने समय में ये बिल्डिंग लगभग कंप्लीट होने वाली है? ये सर 31 मई को हैंडओवर हो जाएगा। 31 मई को हैंडओवर, मतलब कि मान के चले कि 1.25 महीने का समय बचा है। जी जी, 1.25 महीने। कितना समय लगा इसको बनाने में? इसको बनाने में मैक्सिमम 14-15 महीना लग गया है। 14-15 महीने, तो 14-15 महीना भी बहुत ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल से। सर जी नहीं। और कितने फ्लैट हैं इसमें? इसमें सर टोटल 76 फ्लैट है, 40 इसमें है, 36 उस वाले कि जब से इस फ्लैट का निर्माण शुरू हुआ हजारों की तादाद में लोगों ने यहाँ पर बनने वाले फ्लैटों के लिए आवेदन भी कर रखे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, प्रयागराज।